मेहता का उल्टा चश्मा। आज के दिन है ना, हम लोग पहली बार डेट पर गए थे। रियली? या ओह माय गॉड, टुडे इज वेरी हैप्पी डे। इस खुशी के मौके पर आज डिनर करने हम लोग बाहर जाएंगे। आई थिंक आज हमें डिनर घर पे करना चाहिए। तुम्हें बहुत दिन से वेजिटेबल करी खाना था ना, राइट? तुम्हें आज तुम्हारे लिए स्पेशल वेजिटेबल करी विद लेमन राइस बनाऊंगी। बबीता जी, ये डिश बहुत हेल्दी लग रही है, मैं भी तारक के लिए बनाना चाहती हूँ। इसकी रेसिपी बताइए ना। हाँ हाँ बताओ। देखो पहले वो Your food is ready. वाह, तो बहुत आसान है। नहीं, मैं भी रोशन के लिए सेम टू सेम डिश बनाऊंगी, सिर्फ मसाला पंजाबी डालूंगी। समथिंग एक्सपेरिमेंटल। हाँ हाँ बिल्कुल डालिए, बट क्या है ना, साउथ इंडियन मसाला डालोगे तो थोड़ा ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। मैं आप सब लोगों को थोड़ा थोड़ा वो साउथ इंडियन मसाला दे दूंगी, आप लोग टेस्ट करके देखिए। थैंक यू, यू वेलकम। आज तो मैं भी घर पे जाके यही बनाऊंगी, वेजिटेबल करी। वाह नाइस, दैट्स ग्रेट। और हाँ, बना के मुझे बताना कि कैसी बनी है। हाँ जरूर बताऊंगी। चलो चलो चलो, मैं जल्दी से लेके निकलती हूँ। हाँ पापा, बहुत सारा काम है मुझे। चलो मुझे भी कुकर चढ़ाना। अरे हाँ। दे जरा बटाटे, दे वाला एक ले लेती हूँ मैं। लो ना कोकोनट। तो भूल ही गई थी मिक्सर खराब है। ओह गॉश, लगता है मुझे जाके जिठा जी की दुकान से एक मिक्सर लेना पड़ेगा। पहले मैं पूछ तो लूं उनके पास मिक्सर है भी या नहीं है। हेलो गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे भाई, आपको बोला ना, इधर कोई चुनीलाल नहीं है भाई, रॉन्ग नंबर है। दादा क्या खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? सिर्फ देख ही नहीं रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। क्यों, और कुछ काम नहीं है? नहीं है ना, तो ये देखना सुनना बंद करो, काम कर। जी सेठ जी। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे भाई, आपको कितनी बार बोला यहाँ कोई चुनीलाल नहीं है, रॉन्ग नंबर है, फिर भी आप बार बार फोन क्यों कर रहे हैं भाई? नंबर यही है लेकिन यहाँ कोई चुनीलाल नहीं है भाई। हाँ कौन कहाँ है? अरे चुनीलाल कहाँ, मुझे क्या पता, वो चुनीलाल ने आपको गलत नंबर देके चुना लगा दिया है। क्या कर रहा है भागा, संभल के चल, देख के चल। सॉरी सेठ जी, वो आपने कहा था ना देखना सुनना बंद कर, इसलिए मैं आंखें बंद करके चल रहा था, उसमें लड़खड़ा गया। मतलब तू दुकान से गोडाउन तक ये टीवी आंखें बंद करके लेके आया? रास्ते में ये टीवी तेरे हाथ से गिर जाता तो? गिर जाता तो, गिर जाता तो नहीं सेठ जी, चार पांच बार गिर चुका। ये तो गोडाउन में आते आते मैंने मस्त संभाल लिया, इसलिए बच गया। मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी सेठ जी, मेरा गुस्सा आप कस्टमर पे क्यों उतार रहे हैं? हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे तुमको कितनी बार बोला रॉन्ग नंबर है, यहाँ चुनीलाल कोई नहीं है। अरे उसका सही नंबर मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? तो क्या मजाक कर रहा था? सॉरी सॉरी सेठ जी, देखिए आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, तो कब से ये चुन्नीलाल के फोन को लेकर आप परेशान हो रहे थे, इसलिए सोचा आपके साथ थोड़ा मजाक करूं और आपको रिलैक्स कर दूं। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, बॉक्स में टीवी एकदम सलामत है। मैं दुकान से गोडाउन तक बॉक्स आंखें चालू रख के ही लाया हूँ। आंखें चालू रख के?
मतलब आंखें खुली रख के। मजाक मजाक थोड़ा मजाक। क्या करूं मैं ये रॉन्ग नंबर का? एक काम कीजिए, फोन का रिसीवर उठा के साइड पे रख दीजिए, फोन लगेगा ही नहीं तो वो फोन लगा नहीं बंद कर देगा। भाई ऐसे रिसीवर साइड में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? हम यहाँ धंधा लेके बैठे हैं, रिसीवर साइड में मतलब फोन बंद, फोन बंद मतलब धंधा बंद। अरे वाह, लगता है उसने कंटाल के फोन काट दिया, अब फोन नहीं करेगा बस। सुनील लाल जी अभी मर गए, उनका थोड़ी देर पहले ही शमशान ले गए, उधर फोन करो। जेठा जी, बबीता जी, या हाय, फोन मर गया? नहीं नहीं, कोई कोई मर नहीं गया है बबीता जी, वो दरअसल क्या है, एक रॉन्ग नंबर मुझे कब से परेशान किया जा रहा है। चुनीलाल को फोन दो, चुनीलाल को फोन दो। मैंने उसको कितनी बार बोला कि भाई यहाँ कोई चुनीलाल नहीं है, रॉन्ग नंबर है, फिर भी वो फोन किया ही जा रहा है। आपका जब भी फोन आया था मुझे लगा कि उसका फोन है इसलिए। अच्छा ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन बबीता जी, आपने मेरे मोबाइल की जगह दुकान के नंबर पे फोन क्यों किया? Well, मैंने आपके फोन पे ट्राई किया था, पर शायद आपके फोन में नेटवर्क नहीं है। सिग्नल तो ये आजकल नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो गया है बबीता जी। बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? जेठा जी, मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। हाँ तो मैं आ जाता हूँ अभी कभी आपके घर। अरे नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये पूछना था कि आपके शॉप में मिक्सर ग्राइंडर मिलता है? हाँ मिलता है ना। ओह ग्रेट। और अभी तक लेटेस्ट मॉडल आया है बबीता जी, इतना जबरदस्त है, उसमें आप जो चाहे वो मिक्स कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और 5 साल की वारंटी है। ये वैसे ये मिक्सर वाले ज्यादा वारंटी देते नहीं है, लेकिन ये जो मॉडल है ना उसमें 5 साल की वारंटी है। दैट्स ग्रेट। तो ये आपके पास स्टॉक में है? हाँ हाँ, कितने चाहिए? नहीं नहीं, एक ही चाहिए। क्या है ना, मेरे घर का मिक्सर खराब हो गया है, तो अगर आज के आज मुझे मिक्सर ग्राइंडर चाहिए तो मिल जाएगा ना? मिल जाएगा ना, मैं अभी के अभी मिक्सर लेके आपके घर पर पहुंच जाता हूँ। नहीं नहीं, अभी के भी आने की कोई जरूरत नहीं है, आप जब शाम को दुकान से घर पे आओगे ना, अब तब लेके आइए। क्या है ना, मुझे मिक्सर की जरूरत शाम को ही पड़ेगी। अच्छा, क्यों क्या बना रहे? आइए के स्पेशल वेजिटेबल करी। ओहो, स्पेशल कढ़ी? कढ़ी नहीं, करी, वेजिटेबल करी। अच्छा, क्यों आज कुछ खास है? हाँ, एक्चुअली आज का दिन मेरे और अय्यर के लिए थोड़ा स्पेशल है। ओहो, आज आप दोनों की एनिवर्सरी है? एनिवर्सरी? सॉरी, हाँ वही वही जो वो है आज। एनिवर्सरी तो नहीं है, पर हाँ ऐसे ही कुछ है, समझ लीजिए। वो तो नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली आज के दिन मैं और अय्यर पहली बार डेट पे गए थे। अच्छा, तो वो डेट भी आप लोग मनाते हैं? तो आज मैं एक लिए स्पेशल डिनर बनाने वाली हूँ, इसके लिए मुझे मिक्सर ग्राइंडर की बहुत जरूरत है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, शाम को मिक्सर आपको मिल जाएगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच जेठा जी। ओके ओके बबीता जी। ओके बाय बाय, सी यू। ओके बाय। बागा, तो काम कर, ये सब बाद में करना, सबसे पहले वो बिको मिक्सर का एक पीस ला के यहाँ मेरे टेबल पर रख दे। वो शाम को घर जाते वक्त मुझे बबीता जी के लिए वो मिक्सर लेके जाना है। क्या मेरे टेबल पे पड़ा रहेगा ना, तो मैं भूलूंगा नहीं। बीको कंपनी का मिक्सर? अभी बोलना माता कि नहीं है? नहीं है सेठ जी, मैं बस याद कर रहा हूँ कहाँ रखा है। रखा है मतलब एक ही पीस है? हाँ एक ही पीस है। और तुझे याद नहीं है कहाँ रखा है? अभी याद आ जाएगा, अब बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। अरे टाइम नहीं है भाई इधर। अरे लेकिन आपको शाम को लेके जाना है। रहता? शाम को अभी कितना टाइम बचा है भाई? अरे बहुत टाइम नहीं बचा है, तो फटाफट याद कर कहाँ रखा है पीस। बीको 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 मिक्सर, मिक्सर बीको 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 मिक्सर, मिक्सर बीको मिक्सर बीको बीको। याद आ गया सेठ जी, कहाँ कहाँ है? आइए मेरे साथ। हाँ आइए आइए सेठ जी आइए, वो देखिए, वो रहा मिक्सर बीको। अरे वाह रे वाह, डायो मारो दीको। सॉरी सॉरी, चल चल चल, उतार उसको, उतार जल्दी उतार।
ले 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 चल 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 ला ये लीजिए। अरे वापस क्या रख रहा है तू? जी एक मिनट सेठ जी, ये फोन की रिंग बहुत डिस्टर्ब कर रही है, अभी चेक करके देख लेता हूँ किसका फोन है। बंद हो गया। ये लीजिए सेठ जी। अरे तू वापस क्यों रख रहा है भाई, बॉक्स दे देना मुझे। फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, देख लेता हूँ किसका फोन है। बावरी जी का फोन। किसका फोन है? सेठ जी को कहूंगा कि बावरी जी का फोन है तो वो गुस्सा करेंगे। पता नहीं, खाली नंबर दिख रहा है, नाम नहीं। हाँ तो बात नहीं करनी है तो कट कर और मुझे बॉक्स दे। बॉक्स दे? अपना वो बॉक्स बॉक्स दे। दादा। जी। हश। एक काम कर, फोन स्विच ऑफ कर। नहीं सेठ जी, मैं अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करूंगा। अरे क्या नहीं? क्या नहीं मतलब, पहले मैं आपको बॉक्स दे देता हूँ, उसके बाद मेरा फोन स्विच ऑफ कर दूंगा। तो काम कर, तेरा फोन मुझे दे दे पहले। अरे सेठ जी, मैं पहले आपको बॉक्स दे रहा हूँ तो आपको बॉक्स नहीं चाहिए, मेरा फोन चाहिए। क्योंकि जब तक तेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होगा वो बॉक्स मुझे नहीं मिलेगा भाई। तो लेकिन अभी मैं आपको बॉक्स दे रहा हूँ ना। नहीं चाहिए बॉक्स, तू तेरा फोन दे पहले। अरे कर दिया बस। अभी ला लीजिए। अरे फोन नहीं भाई, बॉक्स दे मुझे। जी ये लीजिए सर। बिको। चल भाई अभी नीचे आना कि उधर ही रहना है? जैसा आप बोलो। अरे भाई फटाफट नीचे आ, ये पीस चेक कर और इसको गिफ्ट रैप कर। गिफ्ट रैप? इसका बिल नहीं बनाना है? वो पंचायत छोड़ने भाई, जो बोला उतना करना भाई। नीचे आ, पीस चेक कर और इसका गिफ्ट प्रेप करके मेरे टेबल पर रख दे। चल जी। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वो बाद रख दे। चल रख दे रख दे। चल फटाफट ले 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 ले। चल 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 चल। बबीता जी, शाम को आ रहा हूँ मैं आपका मिक्सर बीको लेकर। जीजा जी को फोन करके याद दिला देती हूँ, नहीं तो अगर मिक्सर लाना भूल गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलिए बोलिए बबीता जी। जीजा जी, आपको मैंने याद दिलाने के लिए फोन किया कि आप प्लीज आते वक्त मिक्सर लाना भूलना नहीं। हाँ अरे आपका मिक्सर यहाँ रेडी होकर पड़ा है मेरे सामने, मैं उसको लेकर अभी निकल ही रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट। अब जीजा जी, इसका प्राइस कितना है? अरे बबीता जी, ये क्या बताऊं, ये मिक्सर तो बहुत महंगा है बबीता जी। अच्छा? हाँ, वो 5 साल की वारंटी है ना, तो कंपनी ने इसका भाव 5 लाख रुपया रखा है। व्हाट? क्या जीठा जी, आप भी क्या मजाक कर रहे हो, बताइए ना प्लीज इसका प्राइस कितना है। अरे क्या बबीता जी, आप ये मिक्सर की कुछ कीमत नहीं है, ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। नहीं नहीं देखिए, आप पैसे नहीं लोगे तो मिक्सर भी नहीं लूंगी मैं। नहीं नहीं बबीता जी, इतने कठोर मत बनिए। देखिए आप ये मिक्सर के पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, आपको रैयर भाई का आज स्पेशल दिन है तो वो आप शांति से मनाइए। इसका पेमेंट का जो है ना वो मैं रुपए से बाद में समझ लूंगा, ठीक है? जीठा जी। नहीं अभी अभी देखिए, अभी अभी कुछ मत बोलिए बबीता जी। देखिए मैं सच में आपसे इसके पैसे नहीं लेने वाला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका मान रख के मैंने अपना निर्णय बदल दिया है। तभी आप भी निश्चिंत होकर शाम के खाने की तैयारी शुरू कीजिए, मैं बस ये मिक्सर लेके निकल रहा हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, सी यू सून। ओके ओके। शाम हो गई, आपको मिक्सर लेके जाना नहीं है? नहीं नहीं बस भाई मैं निकल ही रहा हूँ, बबीता जी का भी अभी फोन आया था याद दिलाने के लिए कि आप निकले के नहीं। अच्छा अच्छा, तो मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग भी फिर दुकान बढ़ा के निकल लेना। जी सेठ जी। चल। अरे सेठ जी मिक्सर क्या कर रहा हूँ मैं भी। संभाल के जाना। फटाफट बावरी जी से बात कर लेता हूँ। पद्मावती भोजनालय से फोन। जय श्री कृष्ण बागा भाई। जय श्री कृष्ण बागा भाई, मैं ये कह रहा था कि मैं आज रात तक टिफिन नहीं भेज पाऊंगा। क्यों? वो जो हमारे महाराज है ना, उनके बीवी बच्चे आज पूरे 1 साल बाद गांव से आए, तो वो उनके साथ बाहर घूमने जाने वाले हैं।
और वो खुद आज बाहर खाना खाने वाले हैं, तो आपको कैसे खिलाएंगे? बराबर है, लेकिन सुनिए, कल से तो टिफिन सर्विस रेगुलर हो जाएगी ना? हाँ हाँ बागा भाई, हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बागा भाई, आप ये बात जेठा भाई को भी बता देना ना। हाँ हाँ, मैं सेठ जी को अभी फोन करके बता देता हूँ। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सेठ जी को फोन? नहीं नहीं नहीं, सेठ जी को फोन करके बताऊंगा, और फिर सेठ जी भूल गए तो उससे अच्छा एक काम करता हूँ, बापू जी को ही फोन करके बता देता हूँ। हेलो। हाँ बापूजी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बाघा बात कर रहा हूँ। हाँ बोल बोल बाघा बोल। पद्मावती भोजनालय से अभी फोन आया था, उन्होंने कहा है कि वो आज रात का टिफिन नहीं भेजेंगे। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है, उनके महाराज का परिवार पूरे एक साल के बाद गांव से मुंबई आया है। हाँ। तो वो अपने परिवार वालों के साथ खुद बाहर खाना खाने जाने वाले है। बाघा अच्छा किया तूने मुझे फोन कर दिया। और कुछ नहीं, बस मैंने यही बताने के लिए आपको फोन किया था। हाँ ठीक है, चल रखता हूँ। हाँ जी, नमस्ते बापू जी। आज टिफिन नहीं आने वाला है तो टप्पू वो 2 मिनट वाली नूडल बना देगा। नहीं नहीं, नूडल में पेट नहीं भरता, तो छुट्टी आ जाए ना, उसके बाद हम सब बाहर ही खाना खाने जाएंगे। नहीं नहीं, अभी ऐसे माहौल में बाहर जाकर खाना खाना भी ठीक नहीं है, तो क्या करूँ? हाँ क्यों ना जेठे और टपुड़ा के लिए मैं घर में कुछ बना लूं। पद्मावती से टिफिन आता है तो सब्जियां तो एक भी नहीं होगी, दाल पड़ी है कि नहीं देख लेता। चलो दाल तो है, अभी मार्केट जाकर जरूरी सब्जी और मसाले लेकर आता हूँ। मस्त मसालेदार खिचड़ी और कढ़ी का प्रोग्राम करते हैं। जेठिया और टप्पू को भी खिचड़ी कड़ी बहुत पसंद है, मैं उन दोनों को सरप्राइज दूंगा, दोनों खुश हो जाएंगे। अरे चाचा जी आइए ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं दरअसल सब्जी लेने बाहर जा रहा हूँ, वो क्या है ना आज पद्मावती भोजनालय से टिफिन नहीं आने वाला, तो मैंने सोचा है मैं मसाला खिचड़ी बनाऊं। अरे चाचा जी अगर आपको खिचड़ी खाने का मन था तो मैं घर में बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या है ना कि जेठे और टप्पू को मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मसाला खिचड़ी मैं ही बनाऊं। वाह क्या बात है। अच्छा बेटा ये हमारे घर की चाबी है, ये रखो, जेठे आए तो उसे दे देना। ठीक है। और सुनो बेटा, जेठे आए तो उसे मसाला खिचड़ी के बारे में मत बताना, सरप्राइज है। सरप्राइज। चलता हूँ। जी ओके चाचा। हाँ यार बोलो। बबीता मैं बस ऑफिस से निकलने ही वाला हूँ, मार्केट से कुछ लाना है? नहीं नहीं कुछ नहीं लाना है, बस तुम आ जाओ, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आऊंगा ही, लेकिन अकेला नहीं आऊंगा। आज के दिन तुम किसको लेके आ रहे हो? अरे ले ले, मैं किसी को साथ में लेकर नहीं आ रहा हूँ, मैं अकेला ही आ रहा हूँ। तुमने अभी बोला ना तुम किसी को साथ ला रहे हो। बबीता मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज लेके आने वाला हूँ। कहाँ है ये, तुम भी सरप्राइज लाओ या नहीं लाओ, बस तुम जल्दी से घर पे वापस आ जाओ। बबीता तुमको मालूम है मेरा आज ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। और फिर भी तुम ऑफिस में बैठ के तब से काम कर रहे हो, है ना? अरे नहीं नहीं बबीता, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। ओके जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके बाय बाय।
मित्रों जीवन की गति नहीं आ रही है, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। अब किसने सोचा था कि बबीता जी वेजिटेबल करी बनाने के बारे में सोचेंगे और मिक्सर खराब हो जाएगा, मिक्सर में खराबी निकलेगी। चाहे जो हो लेकिन एक धमाकेदार शुरुआत की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। अब इधर मिक्सर खराब हुआ, उन्होंने मिक्सर का ऑर्डर दिया जेठालाल को और गैस जवाब दे दिया। अब गैस ने जवाब दे दिया लेकिन ये जवाब जिस गैस ने दिया है बहुत सारे सवाल छोड़ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या करेंगी बबीता जी, किस तरह से बनेगी वेजिटेबल करी, क्या यहाँ पे गैस सिलेंडर का इंतजाम हो पाएगा या नहीं होगा, सवाल बहुत सारे। लेकिन आपको एक राज की बात बता ही देता हूँ, चलिए इस गैस सिलेंडर का इंतजाम मेरे परम मित्र जेठालाल करने वाले। अब आप सोचिए जेठालाल अगर गैस सिलेंडर का इंतजाम करेंगे और बबीता जी के घर तक पहुंचाएंगे तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हर चुनौती के साथ होगी एक हंसी, बस आपको देखना है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। रुको रुको बबीता जी, बबीता जी आ गया, आपका मिक्सर आ गया। थैंक यू। बबीता जी आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं, क्या हुआ? हाँ वो गैस खत्म हो गया है। मैं अपने घर पे जाता हूँ, वहाँ से सिलेंडर उठाता हूँ और फटाफट आपके घर पे आके आपके गैस के साथ मेरा सिलेंडर फिट कर देता हूँ। अरे बाप रे। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।